If you think about it, having the wrong training partner can be more dangerous than following the wrong diet या having a wrong training program. जय हिंद, नमस्ते. मेरा नाम है विदुर और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल में. आज मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने लिए एक सही ट्रेनिंग पार्टनर कैसे चूज कर सकते हो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इन टू इट. सो द फर्स्ट थिंग इज नेवर आस्क पीपल टू ज्वाइन द जिम विद यू. बहुत सारे लोग ना ये गलती करते हैं, स्पेशली द पीपल जो जिम करना स्टार्ट करना चाहते हैं. ये लोग अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि चल यार हम एक साथ जिम ज्वाइन करते हैं. इसमें द प्रॉब्लम इज किन्हीं भी दो लोगों का ना सेम लेवल ऑफ मोटिवेशन नहीं होता कभी भी. सो इमेजिन कि आपका फ्रेंड आपके साथ जिम करना तो स्टार्ट कर देता है पर आफ्टर सम टाइम ही वॉन्ट्स टू क्विट वर्किंग आउट. तो जब वो जिम करना छोड़ देगा ना आपकी मोटिवेशन पे भी एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा. तो आई विल सजेस्ट कि आप एक ग्रुप बना के या किसी की बातों में आके जिम ना स्टार्ट करें, क्योंकि इट इज़ नॉट अ टीम स्पोर्ट लाइक क्रिकेट और फुटबॉल. इसमें आप अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे. वाओ, लाइफ एडवाइस. सेकंड, डोंट जंप राइट इनटू फाइंडिंग अ ट्रेनिंग पार्टनर. जो मेरे हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं ना वो ये है कि जैसे वो जिम करना स्टार्ट करेंगे तो वो दे आर ऑन अ लुक आउट टू फाइंड आउट कि वो ट्रेनिंग किसके साथ कर सकते हैं, उनका ट्रेनिंग पार्टनर कौन बन सकता है. एंड यूजली इन लोगों का ट्रेनिंग पार्टनर ऑफ चॉइस पता कौन होता है? यस, इट्स द बिगेस्ट गाइज इन द जिम. सो देर आर मेनी थिंग्स रॉन्ग विद दिस अप्रोच. पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप एक बिगनर हो ना तो बहुत कम चांसेस है वैसे भी एक प्रो आपको अपना ट्रेनिंग पार्टनर बनाना चाहेगा. और अगर एक प्रो बना भी लेता है ना आपको अपना ट्रेनिंग पार्टनर, तो आपकी जो पार्टनरशिप है ये ज़्यादा देर नहीं चलने वाली. एंड वंस दिस पार्टनरशिप ब्रेक्स, you are not going to feel the best about yourself. So my advice to you is, once you join the gym, take the help of a personal trainer या कोई भी trainer in your gym until आपकी थोड़ी knowledge gain हो जाती है. तो the best training partners are जो एक दूसरे को support कर सकें. आपको कभी भी ऐसी situation में नहीं होना है या अपने training partner को ऐसी situation में नहीं डालना है कि उसको लगे कि आप उस पर एक बोझ हो. Third, keep observing the people in your gym and connect with their psychology. मेरे हिसाब से ना best training partner वो लोग होते हैं जिनको एक workout के दौरान आपस में बात करने की भी जरूरत ना पड़े. तो the way they are lifting weights and their form should be enough indication कि उनको एक support चाहिए कि नहीं चाहिए. So keep observing people in your gym and वो कैसा training program follow कर रहे हैं. तो if you are someone जिसको बिल्कुल सही फॉर्म के साथ वेट लिफ्ट करना पसंद है और आपको फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना वेट उठा रहे हो, यू शुड नेवर पार्टनर विद समवन हु लाइक्स टू लिफ्ट हैवी वेट. फिर चाहे क्यों ना उसको थोड़ी मोमेंटम यूज करनी पड़ रही है, आगे पीछे होना पड़ रहा है वेट उठाने के लिए. एंड टॉक टू पीपल एंड सी कि उनकी ट्रेनिंग अप्रोच और माइंडसेट कैसा है. कई लोगों को ऐसा लगता है कि देयर इज जस्ट वन वे ऑफ बिल्डिंग मसल, अगर आप वो चीज़ को नहीं फॉलो करोगे, उस अप्रोच को फॉलो नहीं करोगे तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी. ऐसा नहीं है, देर आर मल्टीपल वेज ऑफ बॉडी बिल्डिंग एंड यू नीड टू फाइंड एंड फॉलो द अप्रोच दैट वर्क्स फॉर यू. फोर्थ, फाइंड अ ट्रेनिंग पार्टनर दैट इज डिसिप्लिन्ड. दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दैट यू नीड टू कंसिडर जब आप एक ट्रेनिंग पार्टनर ढूंढ रहे हो. नो मैटर हाउ बिग और हाउ मस्कुलर द पर्सन इज, अगर वो डिसिप्लिन नहीं है ना तो यू शुड पार्टनर विद हिम. जब मैं यहाँ पे डिसिप्लिन बोल रहा हूँ ना तो आई मीन कि वो बंदा रैंडमली ऐसी जिम नहीं मिस कर देता है. ही इज पर्टिकुलर अबाउट हिज डाइट, रेस्ट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड फॉलोज इट स्ट्रिक्टली. आपको किसी ऐसे बंदे के साथ भी ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए जो अपने अप्रोच को लेके सीरियस नहीं है या फिर वो जिम में वर्कआउट करते हुए ज़्यादा बात भी करता है. बिकॉज गेस व्हाट, अगर आप उसके साथ ज़्यादा देर तक वर्कआउट करोगे ना तो दिस मेंटालिटी विल क्रीप इन टू यू एज वेल. फिफ्थ एंड बेसिकली माई लास्ट टिप इज, आपको कोई ऐसा ट्रेनिंग पार्टनर ढूंढना चाहिए जो कि आपके सेम लेवल पे है. आई कैन अंडरस्टैंड कि आप ऐसा ट्रेनिंग पार्टनर चाहते होगे कि जो एक प्रो है, जो आपसे एक लेवल एडवांस्ड है. ऑल्सो हैविंग अ ट्रेनिंग पार्टनर लाइक दैट वुड बी द बेस्ट केस सिनेरियो. पर लुक एट द फ्लिप साइड ऑफ इट, विल द प्रो गाय वॉन्ट टू स्पेंड ऑल द टाइम एंड एनर्जी इन ट्रेनिंग यू? और उसको भी ऐसा चाहिए होगा कि यार कि उससे भी एक लेवल ऊपर कोई हो जो उसके साथ ट्रेनिंग करे. अगर आप और आपका ट्रेनिंग पार्टनर सेम लेवल पे नहीं है ना तो देर आर हाई चांसेस दैट बोथ ऑफ यू विल ब्रेक अप. वाओ, दैट फेल्ट सो रोमांटिक. एक्चुअली एक ना ट्रेनिंग पार्टनर का ब्रेकअप इज मोर पेनफुल देन अ रोमांटिक ब्रेकअप. विद ऑल ऑफ दिस सेड, ये जरूरी नहीं है कि आपको अपना आइडियल ट्रेनिंग पार्टनर अपने जिम में मिले. हो सकता है कि आपको अपना जिम चेंज करना पड़े या किसी पर्सनल ट्रेनर को हायर करना पड़े अगर आपको एक आइडियल ट्रेनिंग पार्टनर नहीं मिल रहा है अपने जिम में. माय पर्सनल एडवाइस टू यू वुड बी, इट इज़ बेटर टू नॉट ट्रेन विद अ ट्रेनिंग पार्टनर देन टू ट्रेन विद अ रॉन्ग ट्रेनिंग पार्टनर. तो गाइज, ये थी आज की वीडियो. मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है, लेट मी नो इन द कमेंट्स कि इफ यू ट्रेन अलोन या यू ट्रेन विद अ ट्रेनिंग पार्टनर. रिमेंबर, यू गाइज आर ऑसम. और मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो इस वीडियो को बहुत सारे थम्स अप करना और इस वीडियो को शेयर करना. नीचे एक लाल बटन बना रहा होगा और यहाँ पे मेरा एक सुंदर सा चेहरा बना रहा होगा, इस पर टैप करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो. और अगर आपने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, जाओ और मुझे फॉलो करो. दिस इज ऑल फ्रॉम मी दिस टाइम. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. अंटिल देन, जय श्री राम.